हरे कृष्णा। हनुमान जयंती की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। भक्त का नाम आए और वीर हनुमान का नाम ना आए, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। वीर हनुमान, बजरंग बली, अंजनी नंदन, पवनसुत आदि अनेक नामों से अलंकृत हनुमान जी का भक्तों की श्रेणी में सर्वश्रेष्ठ स्थान है। जहाँ कहीं भी समर्पण, श्रद्धा, विश्वास तथा स्वामी भक्त की बात आती है, वहाँ अंजनी सुत का नाम सबसे पहले लिया जाता है। हनुमान जयंती का दिन भगवान श्री रामचंद्र जी के अनन्य भक्त एवं भक्तों में श्रेष्ठ श्री हनुमान जी को समर्पित है, जिनका जन्म चैत्र पूर्णिमा के दिन हुआ था। इसलिए इस तिथि को हनुमान जयंती के रूप में मनाते हैं। हनुमान जी की माता का नाम अंजना तथा पिता का नाम केसरी था। हनुमान जी जन्म से ही श्री रामचंद्र जी के प्रति अनन्य प्रेम रखते थे, जिसके फलस्वरूप जब श्री राम, माता सीता तथा लक्ष्मण जी को वनवास दिया गया, तो सीता माता के हरण के पश्चात उन्हें ढूंढते हुए रामचंद्र जी की भेंट हनुमान जी से हुई। फिर उन्होंने माता सीता का पता लगाया। जब हनुमान जी माता सीता के पास अशोक वाटिका में पहुंचे, तो माता सीता ने उन्हें अष्ट सिद्धि नौ निधियों के दाता होने का वरदान दिया। हनुमान जी ऊर्जा एवं साहस के प्रतीक हैं। कहते हैं, राम द्वारे तुम रखवारे, होत न आज्ञा बिनु पैसारे। अर्थात उनकी आज्ञा लेकर ही श्री रामचंद्र जी की कृपा के अधिकारी हम बन सकते हैं। हनुमान जी का राम जी के प्रति इतना प्रेम था कि कहते हैं कि एक बार माता सीता अपनी मांग में सिंदूर लगा रही थी, तो हनुमान जी ने उनसे पूछा कि माता, आप ये सिंदूर क्यों लगा रहे हैं? तब माता सीता ने कहा कि मैं राम जी की लंबी आयु और उनकी खुशी के लिए सिंदूर लगा रही हूँ। ये सुनकर हनुमान जी ने अपने पूरे शरीर को सिंदूर लगा दिया। माता सीता ने उनसे पूछा कि ये तुमने क्या किया? तो उन्होंने कहा कि केवल मांग में सिंदूर लगाने से रामचंद्र जी की खुशी और उनकी लंबी आयु मिल सकती है, तो पूरे शरीर में सिंदूर लगाने से उन्हें कितनी खुशी और कितनी लंबी आयु प्राप्त होगी? ये सुनकर माता सीता बहुत प्रसन्न हुई और श्री रामचंद्र जी ने उन्हें अपने भक्तों में प्रथम भक्त का वरदान दिया। हनुमान जी की प्रभु की सेवा के अतिरिक्त उन्हें और कोई इच्छा नहीं है। वो तो ये कहते हैं कि किसी भी प्रकार की भौतिक इच्छा, यहाँ तक कि मुक्ति की इच्छा से भी मुक्त होकर भगवान के पास हमें जाना चाहिए। वो हमेशा भगवान के चरण कमलों में ही अपना स्थान चाहते हैं और उनकी सेवा ही अपना सबसे परम धर्म समझते हैं। हमारे शास्त्रों में हनुमान जी की भक्ति के बारे में कहा गया है कि जिस प्रकार महाराजा परीक्षित ने केवल भगवान के बारे में सुनकर, जिस प्रकार सुखदेव जी ने श्रीमद् भागवतम का पाठ करके, जिस प्रकार प्रह्लाद महाराज ने भगवान को याद करके, जिस प्रकार भाग्य की देवी लक्ष्मी जी ने भगवान के चरण कमलों की सेवा करके तथा महाराज पृथु ने भगवान की पूजा करके पूर्णता प्राप्त की, वही इन सब से परे हनुमान जी ने दास भाव में भगवान के चरणों की सेवा प्राप्त की। हनुमान जी कहते हैं, ता कहूँ प्रभु कुछ अगम नहीं, जा पर तुम अनुकूल। मतलब जिसके सर पर प्रभु का हाथ है, उसे किसी भी प्रकार की कोई मुश्किल नहीं। आइए इन्हीं शब्दों के साथ हनुमान जी के चरणों में शीश नवाए तथा उनसे प्रभु भक्ति पाने की प्रार्थना करें। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। हरे कृष्णा। ऐसे ही और भक्तिमय कार्यक्रमों के लिए देखिए हरे कृष्णा टेलीविजन, और इसे प्राप्त करने के लिए आप अपने केबल अथवा डीटीएच ऑपरेटर से संपर्क करें तथा और अधिक जानकारी के लिए आज ही डायल करें 7666 839 839।